जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बैल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं शादी को लेकर के परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान है, एज निकलती जा रही है और शादी नहीं हो पा रही है। या तो लड़का पसंद नहीं आता है, या फिर लड़की नहीं पसंद आती है, या फिर मेंटल लेवल नहीं मिलता है, एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है, और या फिर पेरेंट्स को नहीं पसंद आता है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, या फिर कुंडली नहीं मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं और शादी में डिले हो जाता है। माँ बाप भी परेशान है कि शादी नहीं हो रही है, बच्चे भी डिप्रेशन तो नहीं बोल सकती लेकिन एन्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी, ये टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगी कि हमेशा पॉजिटिव रहें। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपने लाइफ पार्टनर को बहुत जल्दी ढूंढ सकते हैं। ईश्वर ने हर एक के लिए कोई ना कोई जोड़ा बना कर के रखा हुआ होता है, कभी दूर हो जाता है लेकिन जब हम कर्म करते हैं, हम जब मेहनत करते हैं तो हमारे को हमारे इच्छा अनुसार वर भी मिल जाता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या रेमेडी करें ताकि हमारी शादी जल्दी से हो जाए। पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट में टिप बताऊंगी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजल नंबर, जिस नंबर की आपने चैंटिंग करनी है और एक दिशा के अंदर इस नंबर को लिखना है और अपने हाथ के ऊपर भी लिखना है। तो करना क्या है, सोमवार से करना है ये। आपने 16 सोमवार के जिस तरीके से व्रत होते हैं उसी तरीके से 16 सोमवार आपने ये रेमेडी करनी है। क्या है रेमेडी, 1200 ग्राम चने की दाल लेनी है, 50 ग्राम हल्दी लेनी है, हल्दी के साथ में आपने 1.25 लीटर दूध लेना है और शिव मंदिर जाकर के बाबा के सामने रख कर के ये पूरी की सारी चीज़ें आपने किसी ब्राह्मण देवता को दान करना है। और हमेशा ध्यान करिए, जब भी आप दान करते हैं उसके साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर दीजिए। ये आपने उपाय 16 सोमवार करना है, इतना पावरफुल उपाय है, इसी के बीच में आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो है इसी के साथ में ही करना है ये, मगर आपने 5 सोमवार करना है। इसमें क्या करना है, आपने 15 नारियल लेने हैं, पानी वाले नारियल लेने हैं और भोलेनाथ के पास में रख देना, जो शिव परिवार बना होगा वहाँ पर आपने रखना है। वहाँ पर बैठ कर के घी की जोत जला करके, गाय की घी की जोत जला करके 108 बारी आपने एक मंत्र का जाप करना है। इट्स अ वेरी पावरफुल मंत्र, इसको पूरे श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ में करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी देंगे बाबा। तो मंत्र क्या है जल्दी से नोट कर लीजिए, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः, इसका 108 बारी आपने जाप करना है। और साथ में अपने साथ में रूली लेकर के जाइएगा, जो हम कुमकुम लगाते हैं अपने माथे के ऊपर वो वाला लेकर के जाइएगा। जो जलाली आपने ये मंत्र का जाप कर लिया, उसके बाद में माँ भगवती माँ पार्वती से आपने प्रार्थना करनी है, उनके मांग भरनी है, 7 बारी उनकी मांग भरनी है। 7 बारी 7 टाइम जब पूरे हो जाते हैं वो मांग जो रोली होगी आपके हाथ में लग जाएगी। इस रोली को आपने अपने माथे पर लगाना है, माथे पर लगाने के बाद में बीच में यहाँ अपने बीच चक्रा जो है हमारा सहज चक्रा यहाँ पर लगा दीजिएगा और पूरे विश्वास के साथ में करिएगा। फिर देखिए बहुत जल्दी माँ भगवती आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। साथ में एक एंजल नंबर, टिप ऑफ द डे, एंजल नंबर आपने लिखना है अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम जो उत्तर पश्चिम जो दिशा होगी वहाँ पर आपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक वाइट कलर का पेपर लेना है और उसके ऊपर एक नंबर लिखना है। नंबर नोट कर लीजिए, 519916, 519916, ये नंबर जो है आपने अपने नॉर्थ वेस्ट के अंदर लिखना है।
और यही नंबर, और इसके साथ में एक नंबर और लिख दीजिएगा, ये आपने मेरी वीडियो देखी होगी 1176, ये नंबर भी साथ में बहुत मैजिकल नंबर है, बहुत मैजिकल काम करेगा, ये आपके लाइफ पार्टनर को बहुत जल्दी ढूंढ करके लेकर के आएगा। ये नंबर, उसके बाद में यही नंबर आपने अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर ब्लू कलर के पेन से लिखना है, और जो वॉल नॉर्थ वेस्ट के अंदर लिखना है वो भी आपने ब्लू कलर के पेन से ही लिखना है। ये लिखिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और पॉजिटिव जितने ज़्यादा रहेंगे, वैसा ही इमेजिनेशन रखेंगे कि मेरी शादी बहुत अच्छे घर के अंदर हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं, ऐसी फीलिंग के साथ में जब आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही मार्वलस मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे, अपने आप से ज़रूर प्यार करिए और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। जय श्री राम।